बदायूं में दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या के बाद सनसनी फैल गई। इस वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। बदायूं, दो बच्चों की मौत से बदहवास है। मंडी चौकी से आधा किलोमीटर दूर बाबा कॉलोनी में रहने वाले ठेकेदार विनोद सिंह के दो बच्चों आयुष और अहान की उस तरह से गला रेत कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी साजिद मंगलवार की शाम 4:30 बजे दुकान बंद करके आया। उसने पत्नी के प्रसव के बहाने 5,000 रुपए उधार मांगे। 5,000 रुपए दे देगा तो 5,000 रुपए दिए। फिर बोले अच्छा बेटा जब लाओ मैं चाय बनाती हूँ तुम बेटा बैठ जाओ। तो बोले 2 घंटे को मैं ऊपर बैठ जाऊँ, बैठ जाओ तब तक आयुष को ले गया वो। बताया ये भी जा रहा है कि साजिद ने दोनों बालकों की गर्दन छुरे से काटी और उस तरह से सीने और पेट में भी ताबड़तोड़ प्रहार किए। छत पर बेटों का खून बहता रहा। इससे अनजान माँ सुनीता पड़ोसी के सत्कार में चाय बना रही थी। कैसे कैसे काटे जे आया ऊपर से वाके अम्मा देखो तो क्या हुआ, इसकी मम्मी गई यहीं से लौटी आई, अरे जाना नहीं जाना नहीं, इसने ने मम्मी को बचा ली, तब भी वो कह रहा इधर आओ इधर आओ। और हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया, लोगों ने आगजनी की। घटना के बाद इलाके में अब भी तनाव। बदायूं गुस्से में है। आयुष और अहान की हत्या के बाद लोगों का आरोपी साजिद और जावेद के खिलाफ गुस्सा भड़क गया, बवाल मचा। दोहरे हत्याकांड से आक्रोशित भीड़ सड़क पर उतर आई। साजिद के सैलून की दुकान पर तोड़फोड़ हुई। सड़क पर उतरी गुस्साई भीड़ ने कई बाइक में तोड़फोड़ की, आगजनी की। इलाके में तनाव फैला है। इसके बाद भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स ने हालात को संभाला। मासूम की हत्या के बाद पुलिस एक्शन में आई और घटना के महज 4 घंटे में रात करीब 10 बजे पुलिस ने आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अभी तक जावेद फरार है, जिसको तलाश करने के लिए पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार आसपास के इलाके में दबिश भी दे रही हैं। जो साजिद की माँ है उसने बताया कि दोनों भाई रोजाना पिछले कई साल से इस दुकान पर आते थे और वहाँ पर वो लोग काम करते थे, किसी से कोई झगड़ा नहीं था दोनों का। लेकिन आखिर साजिद की माँ भी जानना चाहती है कि वो कौन सी वजह है कि आखिर साजिद ने इतना बड़ा कदम उठाया है। एक बड़ा खुलासा ये भी हो रहा है कि साजिद की पत्नी थी वो गर्भवती नहीं थी, ऐसा साजिद की माँ नाजरीन ने कहा है। परिजनों के मुताबिक अहान और आयुष के तीसरे भाई पीयूष पर भी साजिद ने हमला किया था, लेकिन वो बच निकला। ये तस्वीरें हैं हंसते खेलते परिवार की, जिन्हें पेशे से नाई साजिद और जावेद ने उजाड़ दिया। परिजनों के मुताबिक अहान और आयुष को उनके ही घर की छत पर गला रेत कर निर्ममता से हत्या को अंजाम दिया गया। घर की दीवारों पर मासूम बच्चों के खून के निशान हैं। ये खून बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। होली से पहले मासूम बच्चों के घर पर मातम पसरा है। परिजनों को यकीन नहीं हो रहा, घर आंगन में कल तक जिनकी हंसी गूंज रही थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। हत्या की वारदात से अनजान अहान और आयुष का तीसरा भाई पीयूष उन्हें ढूंढते हुए छत पर पहुंचा, जहां उस पर भी हमला हुआ, लेकिन गनीमत रही कि वो उनके चंगुल से भाग निकला। मैंने देखा मेरे भाई उधर पड़े थे और उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। फिर मैं बचकर उनके पैर में कांच लग गए, तभी मैं भाग आया नीचे। उनके पैर में कांच लग गया था? अच्छा, तुमको भी मारने की कोशिश की उन्होंने? हाँ। तुम छत पे पहुंच गए थे सीधा? अच्छा, तो क्या देखा तुमने छत पे, वहाँ क्या पड़ा हुआ था, क्या था? बहुत सारा खून पड़ा था और मेरे भाई पड़े थे। और पोस्टमार्टम के बाद आयुष और अहान के शव को अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर लाया गया। वहां जो हालात थे वो लोगों को रुला गए। आंसू है कि रुक नहीं पा रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं आंसुओं का। लोगों को जरा भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि जो उनके दोनों बच्चे कल यहाँ इस घर आंगन में खेल रहे थे, अब उन बच्चों की हत्या कर दी गई है। बदायूं में मासूम आयुष और अहान के जानने वाले ही नहीं, इंसानियत को समझने वाला हर कोई उनके घर पहुंचा। हर किसी की आंखें नम हैं। एक ही गम, बेकसूर बच्चों को क्यों मार डाला। दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को घर लाया गया। कौन अपना कौन पराया, निंदा के लिए शब्द कम पड़ गए। हर कोई यही कह रहा था बच्चों के साथ जो कुछ किया गया वो कोई वहशी दरिंदा ही कर सकता था। ये महज दो बच्चों की हत्या नहीं बल्कि मानवता की नृशंस हत्या है। लोकतंत्र के चौथे खंबे की आंखें भी इस दरिंदगी के बाद भर आई। चीख पुकार यहां पर मची हुई है।
खुद हम लोगों का दिल भी इस वक्त रो रहा है जिस तरीके से मासूम दोनों बच्चों की निर्ममता से हत्या की गई है। एक आरोपी कातिल को तो पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन जो दूसरा आरोपी जावेद है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मृतक बच्चों आयुष और अहान के स्कूल के तमाम टीचर भी शोक व्यक्त करने पहुंचे। उन्होंने हत्या की वारदात पर गहरा दुख जताया। बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत ही सभ्य परिवार था। मेरा एक बार केवल आना हुआ इस परिवार तक, किसी प्रकार का कहीं ऐसा नहीं। धार्मिक वृत्ति के माता पिता हैं। किस क्लास में पढ़ते थे दोनों? एक बच्चा 6 में है बड़ा वाला, उससे छोटा जो घायल है वो 3rd क्लास में है और एक UKG में है। स्कूल फिलहाल बंद रखेंगे आप लोग? बिल्कुल बंद है। क्या मांग करते हैं, किस तरीके की मांग? हमारी कोई मांग नहीं है, मैं शिक्षक होने के नाते अभी कोई मांग नहीं कर रहे हैं। दोषियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर तौर पर निर्णय नहीं होता है तो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, जिसके 36,000 विद्यालय पूरे देश में चल रहे हैं, विशेष इस पर घटना और दुर्घटना या अन्य बातें भी आ सकती हैं भविष्य में। हमारे पर स्कूल के जो टीचर है वो यहाँ पर शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे। उनका कहना है कि दोनों बच्चे उन्हीं के स्कूल में पढ़ते थे, हत्या क्यों की गई है ये सामने आना चाहिए। फिलहाल शोक की वजह से जो स्कूल है उसको बंद कर दिया गया है। दोनों बच्चे शिव भारती स्कूल में पढ़ते थे।